हेलो गाइस, माय सेल्फ शिवम। और आज हमारी क्लास नंबर 2, जिसके अंदर हम एक सबसे बड़ा टॉपिक उठाने वाले हैं, दैट इज अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ सप्लाई। जी हाँ, सप्लाई को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। अफेक्ट का मतलब है कभी सप्लाई बढ़ा देते हैं तो कभी सप्लाई कम कर देते हैं। वो कौन कौन सी चीजें हैं जो सप्लाई को कम ज्यादा करती रहती हैं? तो देखिए दोस्तों, ऐसे अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ सप्लाई हमारे पास दो है। नंबर 1 इज प्राइस ऑफ द ऑन गुड्स, या कह लो प्राइस ऑफ द कमोडिटी। वस्तु की अपनी कीमत भी सप्लाई को ऊपर नीचे करती रहती है ड्यू टू अदर फैक्टर्स। प्राइस को छोड़ और भी कई सारे रीजन होते हैं जिनकी वजह से हमारी सप्लाई अप डाउन होती रहती है। दोस्तों ध्यान देना, जब हम प्राइस की बात करेंगे तो हमारी बेसिक एजम्पशन क्या रहेगी? देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज इन अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में कोई चेंज नहीं आया है, ये याद रखना आप लोग। और जब हम ड्यू टू अदर फैक्टर्स की बात करेंगे तो ये मान के चलेंगे देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी में कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ चेंज किसमें है? ड्यू टू अदर फैक्टर में। यहां अदर फैक्टर में चेंज नहीं है, यहां सिर्फ किसमें चेंज आया? प्राइस में। तो ये हमारी कुछ बेसिक एजम्पशन होती है। फिर से अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ सप्लाई, सप्लाई को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती हैं, कभी सप्लाई कम होती है कभी ज्यादा होती है। तो पहली चीज तो है उसकी अपनी प्राइस, जिसकी वजह से सप्लाई अप डाउन होती है। नंबर 2, प्राइस छोड़ के कोई और सारे रीजंस हो सकते हैं जिन्हें बोलते हैं ड्यू टू अदर फैक्टर्स, राइट। दोस्तों देखो, बुकिश नॉलेज आपको लोगे ना तो थोड़ा रट्टाफिकेशन है। मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूं क्या होता है। जैसे मेरे पास एक न्यूज़पेपर है, आप लोगों को नजर आ रहा होगा इस टाइम ये किसी वॉच की एडवर्टाइजमेंट है, और ये वॉच कंपनी का नाम है राडो। राडो एक बहुत ही कॉस्टली वॉच है, इंपोर्टेड वॉच है ये राडो। अब ये बताओ, राडो ने ये एडवर्टाइजमेंट अपना दिया, क्या आपको लगता है इस एडवर्टाइजमेंट को जितने भी लोग न्यूज़पेपर में देखेंगे, और अगर वो राडो की वॉच पहनते हैं? वैसे मेरे पास भी राडो की वॉच है, शायद तो मेरे पास ये जी शॉक की है, बट राडो की मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा आपको। तो ये जो राडो की वॉच है, जो एडवर्टाइजमेंट दिया, क्या इस कंपनी में होगा? ये कंपनी दिखाना चाहती है कि दोस्तों हमने कहीं कोई प्राइस में चेंज किया, नीचे देखो कहीं नहीं लिखा कि कोई प्राइस में चेंज आया, बस ये लिखा है राडो ट्रू ऑटोमेटिक डायमंड हाई टेक क्रीमिक लग्जरी एंड कंफर्ट सीरियसली इम्प्रेसिबल। क्या मतलब है? वो दिखाना चाहती है कि राडो की वॉच देखो हमने एडवर्टाइजमेंट में दिया, अगर आपके पास होगी तो आपको अच्छा लगेगा कि देखो हमारे पास ऐसी वॉच है जो एडवर्टाइजमेंट में आती है। तो कई सारे लोग इसको देखकर, इसकी डिजाइन को देखकर अब वॉच खरीदने लगे हैं। क्या ये प्राइस की वजह से हुआ? नहीं, ये किसकी वजह से हुआ? अदर फैक्टर्स की चेंज आने की वजह से हुआ। इसमें देखो गुड्स की प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ा, गुड्स की प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ा, देयर इज नो चेंज इन प्राइस, बट स्टिल आपने सप्लाई बढ़ा दिया, आपकी सेल बढ़ गई, क्योंकि हमने इसमें क्या दिया? एडवर्टाइजमेंट दिया है। तो ये किसमें कवर होगा? ड्यू टू अदर फैक्टर्स में कवर होगा, राइट। एक और मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे पास एक और एग्जाम्पल, एग्जाम्पल किस चीज का है? देखो यहां पर आप स्टार्टिंग में देख सकते हो This one. ये एडवर्टाइजमेंट है जिसमें ये अमिताभ बच्चन है, और ये एसी है जो कि किस कंपनी है? हैवेल्स ब्रांड का है, लॉयड। हैवेल्स में ही एक सीरीज चलती है लॉयड, ये उसके एसी बनाए हुए एयर कंडीशनर्स। अब ध्यान देना, अमिताभ बच्चन, जितने लोग अमिताभ बच्चन पे ट्रस्ट करते हैं वो सिर्फ अमिताभ बच्चन को देखकर इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, और वो इस एसी की क्या कर लेंगे? डिमांड करना स्टार्ट कर देंगे, और कंज्यूमर डिमांड कर तो हमारे लिए सप्लाई बढ़ जाएगी। सिर्फ इस अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बना के इन्होंने अपनी सेल को बढ़ा दिया। क्या इन्होंने प्राइस में चेंज किया? नहीं, प्राइस में रिमेन कांस्टेंट ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। तो आपने देखा, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स की वजह से यहां पर इस प्रोडक्ट की डिमांड क्या रहेगी? बढ़ जाएगी, राइट। अभी मैंने दोनों एग्जाम्पल किसके दिखाए? ड्यू टू अदर फैक्टर्स के। अब मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं जिसमें प्राइस को इन्फ्लुएंस करके हम अपनी सप्लाई को इंक्रीज कर रहे हैं। देखो ये है हमारे पास ये कार है, ये तो उसकी ऑडी की, और नीचे ये वॉल्सवैगन की ये कार है। इस वॉल्सवैगन की कार में लिखा हुआ है EMI started at ₹19,999, डिस्काउंट ऑफर 20%। ध्यान देना, यहां पर वो अपनी प्राइस को कम करके, ये जो कार, ये आप एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, इसमें उसने अपनी कार के प्राइस को कम करके अपनी सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश की है। तो यहां पर देखो, प्राइस में चेंज आ रहा है, अदर फैक्टर्स में चेंज नहीं आ रहा। तो ये कौन सा कहलाएगा? देयर इज नो चेंज इन अदर फैक्टर, ड्यू टू चेंज इन प्राइस द सप्लाई आर इंक्रीजेस। तो दोस्तों आप समझ गए हो कि सप्लाई में चेंज दो तरीके से आता है, प्राइस की वजह से, अदर फैक्टर्स की वजह से। हमें अदर फैक्टर में याद है अमिताभ बच्चन अभी दिखाया था मैंने आपको, प्राइस में, प्राइस की खुद की वजह से EMI कर दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया है, इस वजह से आपने चीजों की सप्लाई करनी स्टार्ट कर दी, राइट। तो
अब करते हैं, आप तो जानते हो प्राइस ऑफ द कमोडिटी के अंदर क्या होता है कि अगर एक सप्लायर होने के नाते किसी चीज की प्राइस बढ़ेगी, तो अगर आप एक रैशनल सप्लायर हो तो क्या चाहोगे कि उसकी सप्लाई बढ़े, क्योंकि इसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा मिल रहा है। अगर बाई एनी चांस इस गुड्स की प्राइस कम हो जाती है तो क्या होगा, ऐसे केस में सप्लाई भी कम हो जाएगी, और दोनों में कैसा रिलेशनशिप पाया जाता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप पाया जाता है। इसलिए इसका जो डायग्राम है वो कैसा बनता है, अपवर्ड स्लोपिंग बनता है। तो बस जब हम प्राइस की बात करें तो बेसिक असम्पशन जरूर लिखते हैं, देयर इज नो चेंज इन अदर फैक्टर ड्यू टू चेंज इन प्राइस, सप्लाई आर चेंज, राइट। अब हम बात करते हैं ड्यू टू अदर फैक्टर, एक एक चीज लेंगे, एग्जाम से क्वेश्चन आते हैं। पहला पॉइंट, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यहां पर मैं इसकी डिटेल लिखवाता हूं। फैक्टर ऑफ प्राइस, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्या मतलब है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, तो ध्यान से सुनना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलो चाहे रॉ मटेरियल बोलो चाहे इनपुट्स बोलो, बात एक बराबर है। कहने का मतलब ये है कि आपको एक चीज बता दूं, आइसक्रीम खाते हो आप लोग? जी हाँ, गर्मियों में आप लोग आइसक्रीम खाते हो, सर्दियों में तो खाने का मजा ही अपने अलग होता है। जो आइसक्रीम आप खाते हो वो किससे बनती है, वो मिल्क से बनती है और शुगर कैन से बनती है। क्या शुगर कैन से बनती है? जी हाँ, शुगर कैन से क्या बनता है, शुगर बनती है और शुगर ही उसमें डाली जाती है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ अगर बाई एनी चांस शुगर की खेती या फसल बेकार गई तो जो बचा हुआ शुगर है वो हाई प्राइस पे बेचा जाएगा। शुगर हाई प्राइस पे बेचा है तो उसे बनने वाली चीनी शुगर भी क्या होगी, कॉस्टली होगी, और शुगर कॉस्टली होगी तो जो आइसक्रीम में यूज कर रहे हैं वो आइसक्रीम की भी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। और आप जानते हो जब कॉस्ट इंक्रीज होती है तो प्रॉफिट मार्जिन हमारा कम हो जाता है, और जब प्रॉफिट मार्जिन हमारा कम होगा तो हम उस चीज की सप्लाई कम करेंगे। एग्जाम्पल देखो, प्राइस ऑफ इनपुट, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, सप्लाई। दोस्तों ये एग्जांपल ध्यान से सुन लेना तभी समझ आएगा। प्राइस ऑफ इनपुट, पहले आइसक्रीम बनाने में जो शुगर होती थी वो 20 रुपए पर केजी मिलती थी, अब इसके प्राइस बढ़ गए, ये मिलने लगी है 30 रुपए पर केजी, राइट। मार्केट के अंदर हमें सेलिंग प्राइस अपनी कॉन्स्टेंट रखनी है 50-50 रुपए, क्यों रखनी, क्योंकि याद है हमने यहां पढ़ा था देयर इज नो चेंज इन प्राइस, प्राइस में चेंज नहीं आएगा। अब बताओ 20 रुपए की चीनी 30 रुपए की हो गई है, अब यहां प्रॉफिट मार्जिन हमारा क्या होगा, कम। 50 रुपए की चीज बेचते थे 20 रुपए में, 20 रुपए वाली चीज 50 में बेचते थे 30 रुपए प्रॉफिट होता था, अब 30 रुपए वाली चीज हम कितने में बेचे 50 में, प्रॉफिट मार्जिन 30 से घटके कितना हो गया 20। ऐसे केस में आप अपनी सप्लाई क्या करना चाहोगे, कम करना चाहोगे, क्योंकि इसमें आपको प्रॉफिट कम मिल रहा है। अब बताओ यहां सप्लाई कम होने का रीजन क्या, प्राइस का कम होना है, नहीं, प्राइस तो क्या है एक समान है, देखो 50 से 50 है। क्यों ये सप्लाई कम हुई, क्योंकि इसके इनपुट के प्राइस महंगे हो गए थे, इनपुट के प्राइस महंगे हुए थे। दिस इज व्हाट प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अगर इनपुट्स महंगे सस्ते होते हैं तो सप्लाई पर इसका फर्क पड़ता है, जबकि प्राइस में कोई चीज नहीं है स्टिल सप्लाई में इसका फर्क पड़ता है, राइट। पॉइंट नंबर 2, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब हम बात करते हैं अपने पास टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी में क्या बातें चलती हैं वो देखते हैं। पॉइंट नंबर 2, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर हम पर इसे शॉर्ट में एसटी से डिनोट करते हैं, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, और ऊपर वाले को पीएफ से करते हैं, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब मान लो हमारे पास कोई आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है और कोई अपडेटेड टेक्नोलॉजी है, क्या फर्क होगा दोनों में, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन करने पर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी ज्यादा, ध्यान दो, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी से अगर आप प्रोडक्शन करते हो तो आपकी सीओपी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी ज्यादा, और अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी ज्यादा तो प्रॉफिट मिलेगा कम, और प्रॉफिट मिलेगा कम तो उसकी सप्लाई करोगे कम। अब आपसे मैं ये पूछता हूं क्या यहां पर सप्लाई की कम होने का रीजन प्राइस का कम होना है, नहीं भाई, प्राइस तो उतनी ही है जितनी मार्केट में पहले चलती थी, सिर्फ आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया क्योंकि आपकी लागत बनाने की कॉस्ट ज्यादा रही, क्योंकि आप ट्रेडिशनल मेथड यूज कर रहे हो, मॉडर्न इक्विपमेंट मशीनरी का यूज नहीं कर रहे हो, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो तो यही होगा। लेकिन अगर आप अपडेटेड टेक्नोलॉजी का यूज करते हो तो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आएगी, कम आएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी तो आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तो आप ऐसी चीजों की सप्लाई पहले से भी ज्यादा करोगे, ध्यान देना, सप्लाई पहले से ज्यादा हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इसकी प्राइस बढ़ गई है, बल्कि इसमें हमें प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कम आती है, क्योंकि हम नई नई टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं, नई टेक्नोलॉजीज का यूज करने से हमारी सीओपी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में प्रॉफिट हाई होता है, हाई प्रॉफिट सप्लाई हाई करते हैं कम नहीं करते हैं, राइट। तो ये था हमारा स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। नंबर थ्री इज योर गवर्नमेंट पॉलिसी, नंबर थ्री इज योर गवर्नमेंट पॉलिसी। अच्छा, गवर्नमेंट पॉलिसी का एक और नाम होता है
टैक्सेशन पॉलिसी, राइट। मैं आपको दोनों के एग्जांपल बताऊंगा, पहले मैं बता रहा हूँ गवर्नमेंट पॉलिसी के एग्जांपल। फॉर एन एग्जांपल, दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सरकार है, इन्होंने कुछ टाइम के लिए बोल दिया, मान लेते हैं कि अब दिल्ली के अंदर पॉलीवैक्स की सप्लाई नहीं होगी, पॉलीवैक्स पर बैन है क्योंकि ये पॉल्यूशन को इंक्रीज करती है। इसको अगर हम कूड़े में फेंकते हैं तो कूड़े में कई सारे जानवर होते हैं जो कूड़े में से खाना खाते हैं, तो वो पन्नियों को भी पॉलीवैक्स को भी खा लेते हैं और उनके पेट में जब पन्नियां भर जाती है तो जानवर की डेथ होने लगती है। तो पॉलीवैक्स हमारे कंट्री के लिए बहुत ही पॉल्यूटेड चीज है, तो केजरीवाल ने बोला दिल्ली के अंदर पॉलीवैक्स की प्रोडक्शन नहीं की जाएगी। सोचो जो पॉलीबैग बनाने वाली इंडस्ट्रीज है वो अचानक से ठप्प पड़ जाएंगी, उनकी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या उनकी सप्लाई इसलिए कम हुई क्योंकि उनके प्राइस कम हो गए? आंसर इज नो, प्राइस तो जितने पहले थे अभी भी उतने हैं, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसीज के चलते अब उन्हें अपनी इंडस्ट्रीज बंद करनी पड़ रही है और उनकी सप्लाई जो पहले होती थी उससे कम हो गई है। तो यहां सप्लाई कम होने का रीजन प्राइस का कम होना नहीं है बल्कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज के तहत आपको अपनी शॉप को बंद करना पड़ा, आपको इंडस्ट्री को बंद करना पड़ा और आपकी सप्लाई कम हो गई। दिस इज कॉल्ड गवर्नमेंट पॉलिसीज। आपको एग्जांपल देता हूं, नरेंद्र मोदी ने गुजरात में जब वो सीएम थे, चीफ मिनिस्टर थे, उन दिनों पर उन्होंने गुजरात के अंदर शराब बैन कर दी थी और जब शराब उन्होंने बैन कर दी थी तो शराब कंपनियां जितनी भी थी उन सबकी सप्लाई कम हो गई। इसलिए नहीं कम हो गई क्योंकि दारू के रेट कम हो गए बल्कि इसलिए कम हो गई क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत अगेंस्ट हो चुका था प्रोडक्शन करना दारू का, राइट। तो ये हमारे पास क्या थी, गवर्नमेंट पॉलिसी। नाउ वी हैव टू मूव ऑन टैक्सेशन पॉलिसी। ये बात आप भी जानते हो, टैक्सेशन पॉलिसी के अंदर हम बात करें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, किसकी बात करें बताओ? डायरेक्ट वो होते हैं जो डायरेक्टली पर्सन पे लगते हैं जैसे इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट वो होते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज पर लगते हैं। अब जैसे कि हम तो इनडायरेक्ट टैक्स में वैट, ये सारी चीजें हट चुकी है, वैट, एक्साइज ड्यूटी, अब क्या लगता है सीधा जीएसटी लगता है। जीएसटी के भी तीन पार्ट है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट एंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और इंटर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कभी भी आप देखना मैकडी वगैरह में जाते हो तो बर्गर वगैरह कुछ भी खरीदते हो तो उसपे सीजीएसटी और एसजीएसटी, सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। खैर हम टैक्स की क्लास नहीं ले रहे यहाँ पर, हमें तो बस टैक्सेशन पॉलिसी के बारे में जानना है क्या होता है ये टैक्सेशन पॉलिसी में। डायरेक्ट टैक्स नहीं, हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं, राइट, क्योंकि ये चीजें गुड्स एंड सर्विसेज पर इंपोर्ट इंसर्ट की जाती है, राइट। तो ध्यान से सुनो, अगर मैं आपको एक चीज बोलता हूँ कि पहले मैं मेरी जो सेलिंग प्राइस थी, अब क्योंकि मैं जानता हूँ इसमें प्राइस कॉन्स्टेंट रहती है, प्राइस में कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस पहले 100 रुपए थी अभी भी 100 रुपए, उसको बनाने में मेरी कॉस्ट लगती थी पहले 50 रुपीज, अभी भी लगती है 50 रुपीज, राइट। कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है, लेकिन पहले टैक्स का रेट मान लेते जो जीएसटी है, पहले जीएसटी का रेट था 10%, अब इंक्रीज हो गया 20%। तो बताओ जब जीएसटी 10% हो गया तो कॉस्ट प्राइस का 10% निकाल लो कितने रुपए हो गए, 5 रुपीज, और यहां पर निकाल लो ये हो गया 10 रुपीज, यानी कि आपको 50 रुपए बनाने में माल की लागत आ रही है और 5 रुपए क्या देना पड़ रहा है, टैक्स देना पड़ रहा है। तो एक बात बताओ, जब पहले मुझे 5 रुपए देना पड़ता था तो मैं कितना प्रॉफिट कमा लेता था, सोचो सेलिंग प्राइस 100 रुपए और कॉस्ट प्राइस 50 नहीं है, अब 55 रुपए, तो मैं कितना प्रॉफिट कमा लेता हूँ, पहले 45 रुपीज, अभी भी सेलिंग प्राइस 100 रुपए है लेकिन अब मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 60 रुपीज, अब मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, 40 रुपीज। अब बताओ कि टैक्स के बढ़ने के चलते मेरा प्रॉफिट मार्जिन क्या हो गया, कम हो गया, तो मैं ऐसे केस में अपनी सप्लाई को क्या करूंगा, कम कर दूंगा क्योंकि मेरा उससे प्रॉफिट मार्जिन क्या हो गया, कम हो गया। ध्यान देना, हमारे बेसिक अजम्पशन को मैं ध्यान में रखते हुए एग्जांपल दे रहा हूँ कि प्राइस में कोई चेंज नहीं है, देख लो यहाँ पर प्राइस में कोई चेंज नहीं है, सेलिंग प्राइस विल रिमेन सेम, स्टिल द सप्लाई ऑफ ए गुड्स आर डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। देख लो एग्जांपल, आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, चीजें क्लियर है कि टैक्सेशन पॉलिसी में चेंज आने से, अच्छा मैं सप्लाई डिक्रीज कर रहा हूँ, इंक्रीज भी हो सकती है अगर मैं टैक्सेशन पॉलिसी के अमाउंट को कम कर दूं। अभी इस लाइन को भूल जाओ, चलो ये याद है आपको, इसके बाद मैं आपसे बोलता हूं कि अब गवर्नमेंट ने ये बोला है कि टैक्स का रेट वो कम कर देंगे, अब वो टैक्स का रेट कम करके कर देंगे 2%, मान लो 20 से कितना परसेंट, 2%। तो मुझे बताओ हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 50 रुपीज, 50 रुपीज का 2% कितना होता है, 1 रुपीज होता है। अब हमारी सेलिंग प्राइस 100 रुपए, कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 51 रुपीज, प्रॉफिट कितना होगा, 49, पहले प्रॉफिट होता था 40 रुपीज, अब होने लगा 49, हमारा प्रॉफिट का मार्जिन बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो हम अपनी सप्लाई को भी क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। ये मत सोचना मैं एग्जांपल डिक्रीज के क्यों ले रहा हूं, इंक्रीज का भी ले सकता हूं, मुझे तो ये बताना है सप्लाई में चेंज आ रहा है, इट मे बी इंक्रीज, इट मे बी डिक्रीज ऑन द सेम प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, बट बाय डिफॉल्ट टैक्सेशन की वजह से हमने अपनी सप्लाई को कम ज्यादा कर दिया, राइट। दिस इज कॉल्ड टैक्सेशन पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी को शॉर्ट में टी बोलते हैं, वो देखो मैंने ब्लू कलर से लिखा हुआ है, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है हमारे पास, दैट इज गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव, सॉरी गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स।
गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म का क्या मतलब होता है, गोल और ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म। देखो भाई एक बात सीधी सी है कि अगर आप एक रैशनल प्रोड्यूसर हो तो हमेशा चाहोगे कंज्यूमर आपकी ओर अट्रैक्ट हो और हमेशा बंधा रहे। हो सकता है मैं अपने पास ट्यूशन पढ़ाऊं और किसी इंसान से फीस ज्यादा चार्ज करूं और ढंग से ना पढ़ाऊं और बाद में मैं कहूं भाई मुझे तो पैसा मिल गया बस मेरा काम खत्म, तो सोचो ऐसे में मेरे पास आगे चल के बच्चे ज्यादा नहीं आएंगे। उसी तरह से सेलर ने अगर आपको एक बार पागल बना दिया, एक बार तो प्रॉफिट कमा लेगा वो एब्नॉर्मल, लेकिन बाद में वो इन फ्यूचर वो प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा। तो गोल ऑफ द फर्म के अंदर ये दो चीजें आती है, एक आती कंसिस्टेंसी कि आप कंसिस्टेंसी के हिसाब से अपनी प्रॉफिट को कमाना चाहते हो, और एक होता है वन टाइम प्रॉफिट कमाना चाहते हो। अगर आप कंसिस्टेंसी से प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, सेम प्राइस पर आप चीजों की सप्लाई को ज्यादा करोगे, आराम से ज्यादा करोगे सेम प्राइस पर। कैसे, डिस्काउंट ऑफर देकर। डिस्काउंट ऑफर का मतलब तो क्या, प्राइस में कमी। डिस्काउंट ऑफर का मतलब यहां पर है कि हम आपको साथ में कुछ ऑफर्स देंगे। आपने कार खरीदी तो हम उसका पूरा कवर आपको फ्री में देंगे, आपने बाइक खरीदी तो बाइक के साथ हम आपको कुछ गिफ्ट मिक्सी वगैरह आपको साथ में दे देंगे। इससे कंज्यूमर अट्रैक्ट होगा और सप्लाई क्या हो जाएगी, सेम प्राइस पर बढ़ जाएगी। ये है मेरे कंटिन्यूअसली, मैं कंसिस्टेंसी से चल रहा हूँ, बहुत तेजी से नहीं, आराम से बढ़ रहा हूँ, राइट। और कुछ लोग होते हैं वन टाइम में बढ़ना चाहते हैं, तो वन टाइम वाले क्या करते हैं अपने पास सेम प्राइस पर खूब सारी सप्लाई करते हैं, खूब सारे ऑफर देंगे, इतने ऑफर देते हैं कि बाद में खुद कंगाल हो जाते हैं और शॉप को बंद करनी पड़ती है। तो डिपेंड करते हैं प्रोड्यूसर किस टाइप का है। तो गोल ऑफ द फर्म के अंदर स्पेशल ऑफर दे देंगे, प्राइस से रिलेटेड अदर चीजें दे देकर हम अपनी सप्लाई को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, राइट। ये था हमारा गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। एंड नंबर फाइव इज नंबर ऑफ फर्म्स। नंबर ऑफ फर्म्स में तो आप जानते हो कि मान लेते हैं हमारे पास फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, पहले साल हमारे पास 100 दुकानें थी, तो आपको क्या लगता है 100 दुकानों से जो सप्लाई होगी वो मान लेते हैं 1000 यूनिट्स की हो रही थी, 1000 यूनिट्स की। अब वहां पर 150 शॉप्स खुल गई है, 150 शॉप्स खुलने से क्या लगता है सप्लाई अभी भी 1000 होगी, नहीं अभी भी सप्लाई क्या होगी, बढ़ गई होगी। अब मैं आपसे बोलूं सप्लाई क्यों बढ़ गई, इससे बढ़ गई प्राइस बढ़ गए, आंसर इज नो, प्राइस विल रिमेन सेम, बट पॉपुलेशन वहां पर सेलर इतने ज्यादा हो गए कि दूसरे की एरिया से भी लोग हमारे एरिया में आने लगे, क्यों, हमारे एरिया में एक मार्केट खुल गई, इतने सारे सेलर्स आ गए। तो नंबर ऑफ सेलर्स बढ़ने से सप्लाई बढ़ जाती है और नंबर ऑफ सेलर कम होने से सप्लाई कम हो जाती है, या अपना प्राइस में कोई चेंज नहीं, प्राइस विल रिमेन सेम, स्टिल सप्लाई विल इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म्स और डिक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म्स। ये हो गया हमारे पास। इसके बाद आता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस। मैं बात कर रहा हूं 1 जनवरी 2017 को हमारे पास जो प्राइस थी, जो जितने पर हम माल बेचते थे, दैट इज ₹10। आज है प्राइस ₹10। हमारी सप्लाई होती थी 100 यूनिट्स की। किसी ने भविष्यवाणी की, पता नहीं न्यूज चली, वो न्यूज में ये बता रहे हैं कि 3 तारीख को जो पेट्रोल की प्राइस आप देख रहे हो 100 रुपए थे, पेट्रोल की प्राइस 100 रुपए थे, वो बढ़कर 150 रुपए होने वाले। भाई ये तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है, अभी तो नहीं बढ़े ना, क्या 1 तारीख को प्राइस में कोई चेंज आया, नहीं आया, स्टिल लोगों ने 1 तारीख को 100 रुपए प्राइस पर अपने पास पेट्रोल की डिमांड ज्यादा कर दी, क्योंकि फ्यूचर में पेट्रोल महंगा होने वाला है। जब चीज महंगी होने वाली होती है तो हम उससे पहले ही चीजों का स्टॉक अपने पास करके रख लेते हैं। बोलो यहाँ पर सप्लाई क्या होगी, बढ़ गई। प्राइस में तो आज की डेट में तो कोई चेंज नहीं है, स्टिल सप्लाई बढ़ गई, क्योंकि उसको फ्यूचर में संभावना थी प्राइस के बढ़ने की, फ्यूचर में संभावना थी प्राइस के बढ़ने की। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आएंगे, अगर मान लो फ्यूचर में प्राइस कम होने वाले 50 रुपीज होने वाले, तो लोग क्या करेंगे कि 3 तारीख को 50 रुपीज होने वाले, हम आज सप्लाई कम कर देते हैं, आज सिर्फ 20 लीटर पेट्रोल भरवाएंगे, 3 तारीख को ज्यादा भरवा देंगे। क्या आज प्राइस में चेंज आए, नहीं, स्टिल हमारी सप्लाई क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई, क्योंकि फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन है प्राइस में चेंज आने की। वो चीज क्लियर है। चलो इसके बाद है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। एक बात बताओ, अगर हमारा कम्युनिकेशन बेटर होगा तो हमारी सप्लाई बढ़ेगी, हमारा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी होगी तो हमारे पास सप्लाई बढ़ेगी। सोचो अगर मैंने माल मुंबई से दिल्ली मंगाया, दिल्ली में मेरा कंज्यूमर मुझे बोलता है ये सामान कितने दिनों में, मैंने कहा 2 दिन में, वहां से बता देते 10 दिन लग गए, मेरी सप्लाई क्या होगी, कम होगी। वो कंज्यूमर कभी मेरे पास आएंगे, वो कंज्यूमर 10 दिनों को बोला भाई शॉप से मत लियो, ये शॉप वाला झूठ बोलते हैं, 2 दिन वाला माल 10 दिन में ला के देता है, क्यों, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी में कमी थी। तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी का बेटर होगी तो सप्लाई भी बेटर होगी। कम्युनिकेशन साधन, फोन करने के, आज मैंने ऑर्डर दिया, ऑर्डर तुरंत आ गया, तो ऐसे मेरी सप्लाई बढ़ेगी, और मेरे पास फोन फैसिलिटी नहीं है तो मेरी सप्लाई क्या होगी, अल्टीमेटली कम हो जाएगी, क्योंकि प्राइस में कोई चेंज नहीं, स्टिल मेरी सप्लाई में चेंज आ जाएगा। तो अब आपको बताइए ये सारी चीजें क्लियर है, राइट। तो इसको हम बोलते हैं अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ इंडिविजुअल बेसिस, और इसे बोलते हैं अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ मार्केट डिटरमिनेंट्स। इंडिविजुअल डिटरमिनेंट